दुम्बे ज्यादा थे और बंदे कम थे। मेहनत से काम करें और कंटिन्यू काम करें। छह दुम्बे उसका प्लेट मैंने जो कि वो है किंग प्लेटर। जी हाँ वीवर, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई। कबाइल का जो है वो ऑथेंटिक फूड, अगर आपने कबाइली खाने खाने हैं ना तो। बात ये है कि मुझे तो डर लग रहा है कि जानवर भाग रहे हैं। ये जो है अगर किसी ने मुझे मौका दिया तो कुछ भी नहीं बचेगा। ने दुम्बे खाने आज बहुत अच्छा लग रहा है और तमाम यूट्यूबर्स को देख के। जी हाँ, तो अब होगा हमारा कराची एक्सप्लोर। इस बार मैं मौजूद हूँ कैफे कबाइल में, जहाँ पे हमें इनवाइट किया है पाकिस्तान सोशल मीडिया एसोसिएशन के सीईओ मिस्टर बाबरदार ने। तो चलें एक्सप्लोर करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक ठाक हूँ। भाई आप बताएं, तमाम यूट्यूबर्स को क्यों बुलाया आपने? तमाम यूट्यूबर्स को मैंने इसलिए बुलाया कि दुम्बे ज्यादा थे और बंदे कम थे, तो मैंने कहा ज्यादा लोगों को बुलाऊंगा तो दुम्बे खत्म हो जाएंगे, वरना फिर ये है कि अच्छा है आप लोगों के पेट में जाएगा तो फिर दुआ निकलेगी और जो पेट की दुआ है वो आसमान फाड़ के जाती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई आप लोगों को बुलाया जाए। खैर ये तो मजाक की बात थी। हम लोग बेसिकली डिफरेंट चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म के। पूरा ऊन बनाया, पूरी मुर्गा भी, शुतुरमुर्ग, डिफरेंट चीज़ें, चिकन, सारी चीज़ें बना ली हमने, दुम्बे, बकरे। तो हमने कहा क्यों ना हम एक छः दुम्बों का एक बड़ा प्लेटर बनाएं, तो उसी के लिए आज बस यहाँ आए हुए हैं। अभी खाइएगा और खा के बताइएगा कि छः दुम्बे जो हैं आप लोगों को कैसे लगे। बहुत शुक्रिया तमाम यूट्यूबर बुलाकर उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ का? ज़बरदस्त लग रहा है, यहाँ का एटमोसफेयर भी बहुत अच्छा है और बाबा मैंने जब इन्वाइट किया तो ऑब्वियसली चीज़ भी अच्छी होने वाली है यहाँ पे। कैसा लगता है YouTube पे इतना छाया रहना, हर वीडियो वायरल होना, कैसा फील होता है आपको? देखें इसके पीछे बहुत स्ट्रगल होता है, इंसान बहुत मेहनत करता है फिर जाके इस मकाम पे पहुंचता है। मेरी उन तमाम यूट्यूबर्स को एक सजेशन है जो नए काम करने वाले हैं कि भाई मेहनत से काम करें और कंटिन्यू काम करें, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार एक ही वीडियो के साथ वायरल हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं होता। अच्छा मुझे बताएं इस मकाम पे पहुंचने में आपने कितनी दुश्वारियों का सामना किया? बहुत ज़्यादा हर्डल्स आए थे, बहुत सारे लोगों ने जो है डिस्करेज किया था, लेकिन बस एक जनून था, एक मेहनत करनी थी और एक गोल अचीव करना था कि जी यहाँ तक पहुँचना है, तो बस अल्लाह का शुक्र है। मेरे देखने वाले तमाम यूट्यूबर जितने भी व्यूवर्स हैं उनको क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि भाई अगर आप लोग काम करें तो भाई मेहनत से करें, दिल लगा के करें और कंटिन्यू काम को रखें, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चुमेगी। अस्सलाम वालेकुम जज़ीर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है? यार बहुत मज़ा आ रहा है। सबसे अमेजिंग बात यह है कि मुझे तो डर लग रहा है कि जानवर भाग रहे हैं, ठीक है, ये सारे जानवर दबा कर गए हैं। और आज सबसे अच्छी बात यह कि छह दुम्बे गिराए हुए हैं और छह दुम्बों का प्लेटर है। नो डाउट बाबर भाई ने एक ट्रेंड शुरू करा है, बहुत जबरदस्त सा करा है, जो कि मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने करा है। प्लेटर किंग वाकई है बाबर भाई, ये ईट एंड डिस्कवर के नाम से कोई नहीं जानता, वो फेमस हो चुके हैं प्लेटर किंग के नाम से। उसकी एक पता वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में उन्होंने ऐसे ऐसे प्लेटर का रिकॉर्ड कायम किया है जो आज तक कोई ना कर सका। और सबसे बड़ा जो उनका रिकॉर्ड है वो है कैमिल प्लेटर। भाई कैमिल प्लेटर पूरे कराची में कोई बनाने को तैयार नहीं था, सिर्फ एक रेस्टोरेंट ने जरूरत की और ये बनाया, कोई बनवाने को तैयार नहीं था, सिर्फ बाबर भाई जो प्लेटर किंग है उन्होंने बनाया। तो इसीलिए वो प्लेटर किंग के नाम से फेमस हो चुके हैं। और आज दुम्बे, छह दुम्बे उसका प्लेटर बनेगा यार, छह पूरे साबुत दुम्बे। और एक बेहतरीन बात पता है क्या है? एक बेहतरीन बात यह है कि वन पीस में बनता है। सबसे पहले गाय बनी वन पीस में, शुतुरमुर्ग बना वन पीस में और 10 फुट का सीख कबाब बना वन पीस में, उसके बाद कैमिल बना वन पीस में, कट नहीं किया, सिर्फ स्किन रिमूव की उसकी, और आज दुम्बा बनने जा रहा है वन पीस में। छह दुम्बे हैं, आई होप कि आप सारे बहुत एंजॉय करेंगे। यहाँ क्यों आई पहले तो ये बताएं लोग। यार यहाँ पे बाबर भाई ने जो कि वो है किंग प्लेटर, नहीं प्लेटर किंग, सॉरी उल्टा हो गया, प्लेटर किंग, तो आज भी उन्होंने उस चीज को छोड़ा नहीं, वो उसमें लगे हुए, तो आज उनका है छह दुम्बे एक साथ उन्होंने काट दिए, गिरा दिए, मार दिए और आज उसको पकाएंगे और आज वो सर्व होगा, क्योंकि बाबर भाई कुछ यूनिक तो हो गई। अच्छा मुझे बताएं खवातीन तो ऐसे गोश्त खाने से, थोड़ा सा मीट खाने से तो एहतियात करती हैं, मतलब रुकती हैं, आप बताएं आप खाएंगी? मैं तो अपना सालन साथ लाई हूँ, मैं नहीं खाती, लिटरली मैं नहीं खाती, लेकिन मेरे यहाँ मैंने अभी तक बाबर भाई के जितने प्लेटर्स में आई हूँ मैंने कुछ नहीं खाया, बट मैं सिर्फ उनकी मोहब्बत में, उनकी इज्जत में, इतने दिल से, इतने हम्बल, इतने सॉफ्ट हार्टेड है कि
आना लाजमी हो जाता है। तो व्यूअर हमारे साथ मौजूद है आदिल भाई, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर यहाँ मौजूद हैं और हमें इनके साथ बात करने का मौका, मिलने का मौका मिला, यही सबसे बड़ी बात है। और मिलते हैं आदिल भाई से, पूछते हैं कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे लग रहा है आदिल भाई? जबरदस्त भाई, अभी जो है हम लोग जो है वो दुम्बा खा के बैठे हुए। कैसा लगा आपको यहाँ का दुम्बा भाई? बड़ा जबरदस्त है। कैफे कबाइल का जो है वो ऑथेंटिक फूड, अगर आपने कबाइली खाने खाने हैं ना, तो उसके लिए वैसे ही बड़ी जबरदस्त जगह है, फेमस और बनाया भी ऑथेंटिक लोगों ने। तो कबाइली खानों के लिए दुम्बा अगर आपने जो है ना वो ओरिजिनल कबाइली दुम्बा फ्लेवर में ट्राई करना है तो मस्ट ट्राई। असल में खवातीन तो खाते हुए थोड़े कतराती हैं, मर्दार खा लेते, लेकिन मैंने भी खाया, बहुत मजे का है। कैफे कबाइल का अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि इनके पास अच्छी चीज़ ये है कि इनके पास आपको कबाइली डिशेज सारी मिल जाएंगी। अफगानी फूड जो होता है आपके, रोश हो गया, दमपोख्त हो गया, चपली कबाब हो गया, और सबसे अच्छी चीज़ ये कि हर जो कैटेगरी का ना शेफ़ इन्होंने जो है ना ऑथेंटिक शेफ़ हायर किए हैं। चपली कबाब वाला चपली कबाब ही बना रहा होगा, बाकी ऐसा नहीं है कि दमपोख वाला जो है वो चपली कबाब भी लगा रहा है, कढ़ाई भी लगा रहा है। तो इसी वजह से अगर आपने ऑथेंटिक फूड ट्राई करना है तो हाईली रिकमेंडेड है कैफे कबाइल। बहुत शुक्रिया। जी हाँ वीवर, जिसका था इंतज़ार वो घड़ी आ गई, 6 के 6 दुम्बे बन के आ चुके हैं और देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, मज़ेदार। हम लोग सोच रहे हैं कि हमको ये पार्ट खाएंगे तो बोला ये पार्ट खाएंगे, लेकिन आज हाँ ये देखें यहाँ तो मोही खुल गई। तो अभी फौरी तौर पर जो है ना टाइम ज़ाया किए बगैर कि ठंडा हो जाए, हमेशा प्लेटर की तरह जैसे ये लोग थंबनेल बनाने में प्लेटर ठंडा कर देते हैं, सब फौरी तौर पर इसको लोगों को सर्च करते हैं और लोगों से फिर रिव्यू लेते हैं। चलो भाई। और माशाल्लाह कबाइली इलाकों के लिए तो बहुत अच्छा है ये, मतलब वहाँ के लोग आते हैं खाते हैं और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े देसी हैं, पर आज जो सीन है प्लेटर का वो भी देसी है। कितने दुम्बे खाने हैं आज? तो मेरा पेट तो खाली है इंशाल्लाह, इरादा एक का है, लेकिन अगर आप साथ देंगी तो दो भी खा लेंगे। खवातीन तो एहतियात करती हैं ऐसा है गोश्त खाने से, लेकिन खवातीन देसी खाना है, मंड के खाएंगे आसरी नहीं। और सबसे बड़ी बात, हमारे माशाल्लाह प्रेसिडेंट साहब बाबर भाई ने हमें दावत दी है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन, कैसा लग रहा है कैफे कबाइल आके आपको? हम जो कैफे कबाइल में आए हैं ना, बस अमेजिंग। बस अब इसके बाद जो है ना कुछ नया कुछ करने के जो है ना बस बाबर भाई बता सकते हैं, हम तो नहीं बता सकते। अच्छा लग रहा आपको यहाँ का? बेहतरीन, जबरदस्त। इसका मौसम बड़ा जो है यहाँ का जो माहौल है बहुत अच्छा है। देखो कितने पुरसकून माहौल में लोग यहाँ पर जो है एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ। अच्छा, मुझे बताएं कितने दुम्बे खा जाएंगे आज आप? ये तो भाई लगता है कि मुझे जो है अगर किसी ने मुझे मौका दिया तो कुछ भी नहीं बचेगा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक ठाक हूँ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ का? यार बहुत जबरदस्त लग रहा है, कैफे कबाइल सिर्फ नाम सुना था, आज पहली दफा एक्सपीरियंस करेंगे कि किस तरह का रेस्टोरेंट है और जायका कैसा है खानों का वो बताएंगे फिर आपको। अच्छा, आप यहाँ आए क्यों, ये पहले ये तो बताएं। आज जैसे कि आप सबको पता है कि बाबर भाई, बाबर डार साहब द प्लेटर किंग, ठीक है जी, तो प्लेटर की बारिश की हुई है उन्होंने मार्केट में, तो आज प्लेटर बन रहा है शिप का, दुम्बे का प्लेटर बन रहा है। तो 6 दुम्बे हैं, आप सोचें 6 दुम्बे और कितना मजा आने वाला है, नोच नोच के खाएंगे हम दुम्बे। अच्छा, कितने दुम्बे खा लेंगे आज आप? यार मेरा बस चले तो मैं तो अकेला 6 के 6 खा जाऊं, लेकिन अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी है नासाज, तो इस वजह से मैं खाऊंगा बहुत थोड़ा सा, सिर्फ रिव्यू देने के लिए बस। यहाँ आके कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और तमाम यूट्यूबर्स को देख के, और जो एक थोड़ा बहुत शाइनेस थी और एक झिझक थी कि हम यूट्यूबर हैं और यू नो वीडियो बनाते हुए बाहर तो एक थोड़ा सा वो हेजिटेशन आती है, तो यहाँ पे देख के तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आया और अच्छा लगा सबको मिलके, बहुत अच्छा। अच्छा, आपका चैनल जो है वो व्लॉगिंग का है, किस चीज का? मतलब इट्स अबाउट डेली व्लॉग, और उसमें ट्यूटोरियल्स भी होते हैं, उसमें हैक्स भी होते हैं, उसमें रेसिपीज भी हैं। और यू नो कैसा लगा आपको ये प्लेटर से बताएंगे जरा खुशी? प्लेटर देखा है लिटरली, तो प्लेटर मैंने कम टेस्ट किया तो पहले हम नहीं खाते ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि जो भी मैंने 2-3 बाइट्स के लिए वो डोटा बहुत आउटस्टैंडिंग टेस्ट था उसका, बहुत जबरदस्त, और ज़रदा तो खाने के बाद आगे जाना भी। अब आप बताएं कैसा लगा आपको? हाँ, मुझे भी प्लेटर बहुत अच्छा लगा भाई, मैं तो शेफ हूँ और बहुत मुश्किल से खाना पसंद आता है, तो सबसे अच्छी बात इस प्लेटर की ये थी कि बहुत सॉफ्ट और टेंडर था, तो बहुत अच्छा लगा। और आज की कैफे का बाइट का जो स्टाफ है गार्मिक बहुत अच्छी थी, बहुत ही टेम्परिंग कलर थे, सॉस बहुत अच्छा था, सालसा बहुत अच्छा बना हुआ था, और फुल लाइक जेनरस हार्टेड उन्होंने होती है, नट्स ड्राई फ्रूट्स वगैरह, मतलब मज़ा आ गया आपको? मज़ा आ गया सीरियसली, बहुत।
जी हाँ व्यूअर्स, कैसे लगा आपको मेरा जबरदस्त सा व्लॉग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बहुत सारा सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।